कर्मचारियों को नहीं मिलेगी पुरानी पेंशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों को सीधा ना बोल दिया है। इससे अब साफ हो गया है कि जिन भी राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां के कर्मचारियों को ओपीएस मिलने वाली नहीं है। तो अब क्या होगा कर्मचारियों का रुख और क्या अब दबाव में नहीं आ जाएगी जयराम सरकार? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। मोदी सरकार देगी पुरानी पेंशन? देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं केंद्र सरकार, क्या इरादा है। बिल्कुल राजेश, अगर मैं ये कहूं कि हिमाचल में संघर्ष जारी है ओल्ड पेंशन के लिए, बिल्कुल है ना जी, पर कई राज्य हैं जहां पे ये मिल चुकी है या मिलने जा रही है। वहां के कर्मचारी खुद को खुश नसीब समझ रहे हैं और उनको देख के हिमाचल के कर्मचारियों की हालत और खराब लग रही है। बिल्कुल, उनका नंबर कब आएगा राजेश? लेकिन ये जानना बहुत रोचक है कि ओल्ड पेंशन जैसा सेंसिटिव इश्यू पूरे देश के कर्मचारी जिसके ऊपर उलझे हुए हैं, क्या है, परेशान है कि उनको मिल जाए, बिल्कुल हक बता रहे हैं, बिल्कुल उस पे केंद्र सरकार क्या सोचती है ओपीएस को लेके? उसके कान पे जो रेंग रही है कि नहीं रेंग रही है, क्या नहीं देना चाहती है या देने वाली है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजेश। अभी आज हम यही इस पे ही हम बात करने वाले हैं क्योंकि ये हिमाचल को भी प्रभावित करता है। क्या राय है आपके? बिल्कुल सही है। देखिए, ओपीएस पे या पुरानी पेंशन की बहाली पे कर्मचारियों ने दबाव बनाया है हिमाचल का, सभी को पता है बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ हो चुका है। केंद्र सरकार के रुख की बात कर लेते हैं। सरकार ने स्टैंड अपना, एक तरह से अब तक सरकार का स्टैंड स्पष्ट हो गया अग्निहोत्री जी। सरकार, दरअसल केंद्र सरकार कह रही है कि पुरानी पेंशन की बहाली के बारे में अभी सोचा ही नहीं है। सरकार के पास कोई ना प्रस्ताव है ना कोई ऐसी योजना है कि सरकार इसको केंद्र के कर्मचारियों के लिए बहाल करने की स्थितियां पैदा करने जा रही है। तो इस तरह का माहौल है। आप कारण बताएंगे क्या कारण है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका कारण दरअसल आप ये देखिए कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जब ये पेंशन, जब पुरानी पेंशन बंद की थी, तो इसके पीछे एक तर्क दिया था कि देश हित के लिए ये पेंशन बंद की जा रही है और वहां उन्होंने एनपीएस या नेशनल पेंशन जो स्कीम थी उसको लागू कर दिया। अब ये सभी कर्मचारियों ने, देश भर में ये स्कीम एनपीएस की शुरू हो गई। अब क्योंकि केंद्र में अब मोदी, नरेंद्र मोदी की सरकार है, दूसरी टर्म उनकी शुरू हो गई है। अब वो एनडीए की सरकार के, अपने ही पुरानी सरकार के फैसले को कैसे बदलेंगे? परिस्थितियां यहां वर्तमान सरकार के सामने ये खड़ी हो गई है। धर्म संकट है, धर्म संकट है, बहुत बड़ा धर्म संकट है जी। इसके पीछे कोई ऐसा नहीं है, ये सिर्फ प्रतिष्ठा का एक सवाल है, क्योंकि उस वक्त भी फैसला एनडीए की सरकार ने देश हित लिया था। अब अगर उस देश हित की दलील को दरकिनार कर देती है एनडीए और पुरानी पेंशन बहाल कर देती है, तो सवाल उस वक्त की सरकार की प्रतिष्ठा पे एक तरह से प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे या लोग सवाल खड़े कर देंगे तो उस वक्त को गलत डिसीजन हो गया था कर्मचारियों को लेकर। इसीलिए यह सबसे बड़ा इस वक्त पेच है केंद्र सरकार के सामने, जो समस्या उनके लिए अब हल होती हुई नजर नहीं आ रही है। और गैर, आपने कहा कुछ राज्यों ने बहाल कर दी, गैर जो भाजपा शासित राज्य हैं वहां ये बहाल हो गई है, लेकिन एक उम्मीद की किरण भी है अग्निहोत्री जी। अगर ये सारी चीजें हैं, आप ये देखिए कि कृषि कानूनों का दबाव पहले तो केंद्र ने सीधे तौर पे डाल दिया किसानों पे कि बहुत अच्छे हैं, जब विरोध हुआ तो फिर वापिस लेने पड़े कानून। तो इस तरह की परिस्थितियां, आने वाले दौर का माहौल क्या बनता है तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल राहत एक अभी मिलती हुई केंद्र के कर्मचारियों को नहीं है या केंद्र सरकार से राहत मिलने के आसार लग नहीं राजेश। आपने धर्म संकट की बात कही और ये कहा कि केंद्र सरकार को ये लगेगा कि हम रोल बैक कैसे करेंगे, यू टर्न कैसे लेंगे, यू टर्न। राजेश, एक चीज यहाँ पे थोड़ी देखने वाली है, जब से ये हुआ तब से गंगा में बहुत पानी बह चुका है। बिल्कुल, 2003 से बाद, अब देखिए लगभग 20 साल होने को है। बिल्कुल, आप ये समझिए कि वो दशक तब जो 2000 का ये हमारे नई जो मिलेनियम शुरू हुआ था राजेश, हमने संकट झेले थे उस समय, जो हमने एटॉमिक वो जो वहां पे किए थे ना, बिल्कुल वो खरण में हम पे सैंक्शंस थे, हमारी इकोनॉमी डावाडोल थी, उस समय मान लेते हैं राजेश। अब तो हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बढ़ने की ओर बढ़ रहे हैं, पांच महा जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, उनमें हम शामिल हैं। तो क्या ऐसा ये कोई एक आपको थोड़ा सा लेम एक्सक्यूज नहीं लगता है कि जी हम घर में भी तो कई फैसले बदल लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, है ना, कई बार हमारे घर में, हम खुद अपने ऑफिस में कहीं भी जब हमें लगता है कि पिछला डिसीजन ठीक नहीं था, कोर्स करेक्शन तो हमेशा होती है ना जी, तभी तो सब शब्द बनाए, कोर्स करेक्शन यही है। तो ये हैरानी की बात है अगर सरकार ऐसा सोच रही होगी, ऐसा एक्सपर्ट भी मानते हैं। अच्छा राजेश, आपने बता दिया हमारे सभी दर्शकों को, जाहिर है कोई बड़ी खुशी की बात तो नहीं है ये कि केंद्र सरकार का रुख क्या है। बिल्कुल,
राजेश, कुछ उदाहरण है आपके पास? हाँ, जैसे हम देखिए, ये कहना तो बहुत बड़ी बात है कि केंद्र सरकार नहीं देना चाहती, लेकिन उदाहरण है कुछ कुछ आपके पास, तथ्य हैं बताने के लिए? बिल्कुल, देखिए दरअसल दो चीजें हैं, दो जगह से इसके उदाहरण, दो उदाहरण हमारे सामने हैं। एक सवाल लगा अग्निहोत्री जी, राज्यसभा में लिखित प्रश्न आया एक सामने, जिसका उत्तर 17 मार्च को दिया गया केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर बीके कर्ण ने। उन्होंने ये कहा कि सरकार के पास पुरानी पेंशन बहाली या पुरानी पेंशन योजना को वापस लेने के संदर्भ में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। मतलब सरकार इस पे कोई फैसला नहीं लेने वाली है, कोई चीज नहीं सोचने वाली है। जो एनपीएस का सिस्टम चल रहा है वही सिस्टम चलता रहेगा, कर्मचारियों के लहजे से। दूसरा जो सवाल, राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक सवाल सरकार से दागा और उन्होंने ये कहा कि कुछ राज्य अपने स्तर पे पुरानी पेंशन की पुरानी पेंशन बहाल कर रहे हैं। उदाहरण भी दिया तो इस पे भी जो जवाब सामने आया है उसमें यह कहा गया है, जितेंद्र सिंह जी की तरफ से कहा गया, बिल्कुल, तो जितेंद्र सिंह ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो राज्य मंत्री है, उन्होंने जो प्रधानमंत्री कार्यालय से राज्य मंत्री है, उन्होंने जवाब जो दिया वहां, उन्होंने ये कहा कि 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने की सरकार की कोई योजना अभी नहीं है। ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान है जो उन्होंने राज्यसभा में दिया है दीपेंद्र हुड्डा के बयान के साथ। लेकिन इसमें एक चीज और है, दीपेंद्र हुड्डा ने जो सवाल किया उसमें उन्होंने हरियाणा का भी जिक्र किया कि हरियाणा के कर्मचारी भी हरियाणा को रिप्रेजेंट करते हैं, हरियाणा के कर्मचारी भी सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल करिए। अब क्योंकि आप ये देखिए, केंद्र से जवाब मिल गया कि हमारी योजना नहीं है, हरियाणा क्योंकि केंद्र का स्केल लागू अपने कर्मचारियों के लिए किया है, तो मैसेज तो वहां साफ चला गया कि एनडीए सरकार इस जो ओपीएसएस को लागू करने वाली नहीं है। इसलिए उन्होंने वहां से ऐलान कर दिया कि आने वाले वक्त में जब हमारी सरकार आएगी तो हम राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। ये दो जो उदाहरण है वहां से केंद्र सरकार की मंशा या केंद्र सरकार की अगली जो नीति है बिल्कुल साफ है। जी राजेश, हम अपने दर्शकों को बता दें दीपेंद्र हुड्डा कौन है। ये हरियाणा के बड़े हैवी वेट जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके सुपुत्र हैं। ये लोकसभा में भी सांसद रह चुके हैं, अभी राज्यसभा में वर्तमान में, और जो आपने G23 देखा उसमें भूपेंद्र हुड्डा भी शामिल है। वहां पे ये लग रहा है कि इनको कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष बनाया जा सकता है और इनके अंडर चुनाव हो सकते हैं, अगली बार मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं हरियाणा का। जी जी, अब देखिए हम बार बार कहते हैं कि ओपीएस बहुत बड़ा इश्यू है, बिल्कुल, तो जब दीपेंद्र हुड्डा के चांस ये है कि आगे वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं हरियाणा में, तो वो इतने बड़े इश्यू को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे वो उठा रहे हैं, ये तो महत्व देखिए इश्यू कितना बड़ा है। बिल्कुल। अच्छा राजेश, दूसरी बात जो इससे एक सवाल किया, एक तो आपने ये कह दिया कि केंद्र के स्केल है, राजेश एक और बात जो बड़ी गौर करने वाली है, ये जो जवाब मिले हैं ये मिले हैं सेंटर के जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए, क्यों? क्योंकि सेंटर के अंडर वही आते हैं, जो पेंशन है वो स्टेट सब्जेक्ट है, बिल्कुल, हर राज्य अपना डिसीजन खुद ले सकता है, बिल्कुल। लेकिन राजेश शायद दीपेंद्र हुड्डा भी जानते थे और हरियाणा पे ही उनका ज्यादा निशाना था, बिल्कुल, बिल्कुल। नीति की हुई जी जी, वो जानते हैं कि शायद ये संभव नहीं है कि जिन भी राज्यों में भाजपा या एनडीए की सरकार है वहां पर ओपीएस नॉर्मल स्थितियों में लागू हो पाए, क्योंकि अगर केंद्र सहमत नहीं होगा तो उसके नीचे जो सरकार है डबल इंजन सरकार जहां होगी, बिल्कुल, वहां वहां ये थोड़ा मुश्किल लगता है। और बिल्कुल बड़ी बात क्या है कि हिमाचल में भी वही डबल इंजन सरकार है, और ये अलग बात है, लेकिन एक हिमाचल हरियाणा अगले साल जाएगा, हम अभी इसी साल में चुनाव में जा रहे हैं, बिल्कुल। तो राजेश आप क्या समझते हैं ये इस तरह से, ये अगर इस एंगल को हम देखते हैं? बिल्कुल, इस एंगल को देखें तो बिल्कुल सही है कि पेंशन जो है वो राज्य का सब्जेक्ट है। अगर राज्य का सब्जेक्ट नहीं होता तो आप ये देखिए कि देश भर में जब पेंशन पुरानी पेंशन बंद हो गई तो पश्चिम बंगाल सरकार ने बंद नहीं की थी, वहां लगातार पुरानी पेंशन ही मिलती रही है और अब भी मिल रही है। राजस्थान सरकार क्योंकि कांग्रेस की सरकार वहां है, झारखंड बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ बात कर लीजिए, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं उन्होंने पुरानी पेंशन बहाल अपने कर्मचारियों के लिए कर दी है। दिल्ली की बात कर लेते हैं, दिल्ली की फाइल क्योंकि आपकी सरकार वहां है, उन्होंने तो कह रहे हैं लगातार मूव की, लगातार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने एलजी के पास फाइल मूव कर दी है, उन्होंने वहां होल्ड है, बिल्कुल अपनी सहमति जता दी है पुरानी पेंशन की बहाली की। आने वाला जो दौर होगा वो महाराष्ट्र सरकार कभी भी घोषणा कर सकती है, इस तरह की चर्चाएं चल पड़ी हैं। अब जो इस यहां दिक्कत है, हिमाचल की ही बात कर लीजिए, तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अब केंद्र सरकार या एनडीए की सरकार या भाजपा की सरकार कह लीजिए, उसकी अब जिस तरह के प्रस्ताव राज्यसभा या लोकसभा
लोकसभा में आ रहे हैं या जहां जवाब केंद्र के मंत्री दे रहे हैं, अब उन जो योजनाएं हैं या वो जो प्रस्ताव हैं या वो जो सरकार की एक तरह से आप ये कह लीजिए स्कीम है उसके तहत या पार्टी की गाइडलाइन है उसके बाहर कैसे जा सकते हैं? परिस्थितियां यहाँ हिमाचल के लहजे से यह दबाव यहाँ बहुत बड़ा प्रदेश सरकार के ऊपर 1.5 लाख कर्मचारियों ने बना के रखा है। आप ये देखिए 3 मार्च को इतना बड़ा प्रदर्शन अग्निहोत्री जी हुआ, तो इतना बड़ा प्रदर्शन जब हुआ तो उस प्रदर्शन की रिपोर्ट दिल्ली तक पहुंची है और उस रिपोर्ट का असर क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन दबाव हिमाचल सरकार पे भी बहुत ज्यादा है।